नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। समाज के रह रहे लोगों से सीधी बात कर रहे हैं आज सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की। समाज को, पूरे देश को कितनी ज़्यादा जरूरत है, डायरेक्ट कहते हैं लोगों से सीधी बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले सर? हम पंजाब के हैं, लंबी ब्लॉक। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप बाबा राम रहीम जी के बारे में? ऐसा है, बाबा राम रहीम एक बहुत ही समाज सुधारक संत है, पूर्ण फकीर है। जैसे वो सरकार भी काम नहीं कर सकती जो बाबा जी कर रहे हैं, 134-135 मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, विशवा की शादी जैसे, खूनदान, आँखें दान, शरीर दान, किडनी दान, गुर्दा दान, जींदे जीते जी जो इनके अन्यायी हैं वो उनके एक इशारे पर अपने जीते जी गुर्दा दान देते हैं, और ऐसा मानवता भलाई का काम करते हैं जो कभी पहले देखा नहीं हमने। इसलिए गुरु जी की आज बहुत ज़रूरत है सारे हिंदुस्तान को, ऑल वर्ल्ड को। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं। डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस तरह के कार्य किए जाते हैं? डेरा सच्चा सौदा में मानवता भलाई के जैसे ब्लड कैंप होता है, जैसे आँखें दान है, इधर शरीर दान होते हैं, जो जीते जी के फार्म भरते हैं जी उनके शरीर दान होते हैं, उस पर खोज होती है, और बहुत ज़्यादा मानवता भलाई के काम होते हैं जो कहीं भी नहीं होते, वो डेरा में होते हैं। सर बाबा जी का किस तरह का व्यवहार रहता था जो लोग डेरा के अंदर जाते थे? ऐसा है, हम इधर बहुत बार आते हैं और देखा है कि जो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है, जो 7 करोड़ की इनकी साध संगत है वो बाबा जी की रहनुमाई से नीचे ही जो काम करते हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, जो 7 करोड़ की साध संगत है जो बता रहे हैं कि बाबा जी देखो एक इशारे पर बाबा जी के कितने भलाई के काम करते हैं, तो देखो फिर बाबा जी के बगैर कितना मतलब वो सर नहीं सकता इसमें, इधर दरबार में। आज के समय में कितनी जरूरत है समाज को बाबा जी की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो जब से बाबा जी गए हैं, जेल में गए हैं, उसके बाद कितना आपने देखा होगा टीवी में भी और भी मीडिया में भी और दुनियादारी में कितना नशा फैल चुका है, कितना बुरा हाल है कि कहने सुने से परे है। इसलिए बाबा जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि समाज को नशे से, बुराइयां से दूर कराएं, और ऐसे जो मानवता भलाई के काम कर रहे हैं बाबा जी के बगैर अधूरे हैं। सर अभी आपने नशों का जिक्र किया, तो बाबा जी ने क्या ऐसे कदम उठाए थे नशों को रोकने के लिए? बाबा जी ऐसा था कि जब कोई साध संगत आती थी ऐसे वचन प्रभावशाली उनके, और बोलते इधर आप 7 दिन सेवा करो और राम नाम की जुगती लो, सेवा करके ऐसे ऐसे लोगों को रिजल्ट मिलते थे कि अपने आप उनका नशा छूट जाता था। जो ऐसे ऐसे काम करते थे लोग जो हम सोच नहीं सकते, बुराई के जुड़े, तो बाबा जी के दर्शन करने के लिए करके और उनके जो शिक्षा देते हैं बाबा जी उस पर चल के अपना जीवन सुधार लेते हैं। आज जो बुराई है ये एक ही चीज़ है कि बाबा जी ही इसको रोक सकते हैं, इसलिए उनकी बहुत ज़रूरत है देश को। अंत में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो हम अपील करते हैं, सभी सरकार को मालूम है कि ऐसे संत ना हुए या ना होंगे जो कि एक आदमी नहीं, आपको पहले ही बताया, 2 नहीं 1,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, करोड़ों की साध संगत है, जो करोड़ों आदमी इधर सुधर चुके हैं उनके एक इशारे पर। तो देखो आज सरकार से यही हमारी अपील है कि बाबा जी को जल्द से जल्द, वो बेगनाह हैं, उनकी पूरी जो भी कमेटियां बनी हैं या जो भी उसका है पूरी पड़ताल करके बाबा जी को जल्दी से जल्दी रहा किया जाए, यही हमारी अपील है, और देश को बहुत ज़रूरत है बाबा जी की।